Good morning, first class students. As you know, October and November syllabus is over, so it's a time of revision. So आज हम क्या करेंगे रिविजन में एनिमल वर्ड्स मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल कौन कौन से हैं, बिग साइज वाले कौन से हैं, स्मॉल वाले कौन से हैं, लैंड पे कौन से रहते हैं, वाटर में कौन से रहते हैं, सो ऑन. सम एनिमल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत सारे एनिमल्स हैं जो साइज में थोड़े बड़े हैं, लाइक एलिफेंट, व्हेल्स एक्सेट्रा. कुछ छोटे भी होते हैं, वो कौन से होते हैं, रैट एंड कैट. सो एनिमल लिव एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पे रहते हैं, कुछ धरती पे रहते हैं, कुछ पानी में. एनिमल्स लाइक लाइन, काउ, डॉग एक्सेट्रा लिव ऑन लैंड. जैसे कौन से एनिमल, जैसे शेर, गाय, डॉग, ये लैंड पे रहते हैं. और जो पानी में रहते हैं वो कौन से हैं, व्हेल है, फिश है, ऑक्टोपस एक्सेट्रा. कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी, धरती दोनों पे रह लेते हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, फ्रॉग, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा, ये दोनों जगह रहते हैं. सम एनिमल लिव अराउंड अस, कुछ हमारे आसपास, घर के आसपास रहते हैं, वो हमारे तरह लिए बहुत यूजफुल होते हैं मैनी वेज में. कैसे, उनको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक. जैसे काऊ है, दूध देने के काम आती है, डॉग है, वो हमारे घर की रक्षा करता है, एंड सो ऑन. कुछ एनिमल्स हैं जो जंगल में रहते हैं, ये डेंजरस होते हैं हमारे लिए, लाइक टाइगर, लायन, इनको हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड एनिमल. वी सी डिफरेंट बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, हम देखते हैं हवा में बहुत सारे पक्षी उड़ते हैं. वो किसकी वजह से उड़ते हैं, उनके टू विंग्स होते हैं, विंग्स की वजह से वो उड़ते हैं. सो नाउ इट्स अ टाइम फॉर फिलिंग द ब्लैंक्स. एन एलिफेंट इज अ डैश साइज एनिमल, यहाँ पे हमने साइज बताना है एनिमल का, एलिफेंट का. तो एलिफेंट क्या, एक बहुत बड़ा एनिमल है, तो ये बिग साइज का है. जो एंट है वो बिल्कुल छोटी सी होती है, तो उसका स्मॉल साइज होता है. व्हेल्स, व्हेल्स क्या है, एक वाटर एनिमल है. कहाँ पे रहते हैं वो, वाटर में. अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्या है, कौन से एनिमल हैं जो वाटर, लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, वो कौन से हैं, एक फ्रॉग है, एक क्रोकोडाइल. वर्ड्स यूज योर डैश टू विंग, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है, जो वर्ड्स हैं, पक्षी होते हैं, वो अपने विंग्स को यूज करते हैं उड़ने के लिए. नाउ ट्रू फॉल्स, वर्ड्स हैव टू विंग्स, कितने विंग्स होते हैं वर्ड्स के, टू. तो ये क्या है, ट्रू है. डॉग इज ए वाइल्ड एनिमल, नो वह जंगली जानवर नहीं है, वो डोमेस्टिक एनिमल है, तो ये क्रॉस है. टाइगर इज अ डोमेस्टिक, टाइगर को हम घर पे तो नहीं रख सकते ना, वो डोमेस्टिक नहीं है, वो एक वाइल्ड एनिमल है, फॉरेस्ट में रहता है, तो ये भी फॉल्स है. काउ लिव्स ऑन लैंड, जो काऊ है वो धरती पे रहती है, यस इट्स अ ट्रू. नाउ आंसर्स दी क्वेश्चन, आंसर्स दीज क्वेश्चन, उनके हमने आंसर बताने हैं. नेम एनी टू एनिमल्स डैट कैन लिव इन वाटर, कौन से जो एनिमल है जो पानी में रहते हैं, एक फिश है, एक ऑक्टोपस है. नेम एनी टू वर्ड्स, कोई भी दो पक्षी के नाम बताने हैं, एक क्रो, एक पिजन. आप यहाँ पे जो आपको ईजी लगता है वो लिख सकते हो. नेम एनी टू स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स कौन से हैं, कैट भी लिख सकते हो आप, एक रैबिट है, एक कैट है, रैट भी एक स्मॉल एनिमल है. नेम एनी टू डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक मीन्स जो हम घर पे रखते हैं, एक डॉग, एक काऊ. नेम एनी टू वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड मीन्स जो जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, वो कौन से हैं, लायन एंड टाइगर. डियर स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन मैंने आपको नोटबुक के ऊपर भी करवाए हैं, तो आपने ये लर्न करनी है और इनकी जो प्रैक्टिस है आपने रफ नोटबुक के ऊपर करनी है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.